हेलो दोस्तों, वेलकम ऑल ऑफ यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है थ्री शॉर्ट ट्रिक्स वीडियो में। आज की हमारी तीन महत्वपूर्ण ट्रिक्स में से पहली ट्रिक है जहांगीर के शासनकाल में आए यूरोपीय यात्री, दूसरी ट्रिक है शाहजहां के शासनकाल में आए प्रमुख यात्री, और तीसरी ट्रिक है औरंगजेब के शासनकाल में आए प्रमुख यात्री की। तो चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं इन्हीं तीनों ट्रिक्स के साथ में। दोस्तों, आज की वीडियो की हमारी पहली ट्रिक है जहांगीर के शासनकाल में आए यूरोपीय यात्रियों की, और इसके लिए मैंने जो ट्रिक बनाई है वो है बी ए हंस। तो दोस्तों, बी ए शब्द को मैंने दो हिस्सों में तोड़ लिया, सबसे पहले बी और सेकंड नंबर पे ए। तो दोस्तों, बी शब्द से बना हमारा विलियम फिंच, जो कि एक अंग्रेजी यात्री था। बी ए शब्द के सेकंड वर्ड ए, ए से हमारा बना दोस्तों एडवर्ड टेरी, यह एक अंग्रेजी पादरी था। दूसरे शब्द हंस शब्द को हमने दो हिस्सों में तोड़ लिया, हन और से। तो दोस्तों, हन से बना हमारा हॉकिंस, जो कि अंग्रेजी व्यापारी था, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आने वाला प्रथम अंग्रेज था, जो कि व्यापार की अनुमति प्राप्त करने में असमर्थ रहा था। दूसरा हंस शब्द के दूसरा शब्द है से। तो दोस्तों, से से हमारा बना सर टॉम्स रो, यह एक अंग्रेजी राजदूत थे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आने वाले दूसरे अंग्रेज थे, और ये व्यापार की अनुमति प्राप्त करने में समर्थ रहे थे। तो दोस्तों, जहांगीर के शासनकाल में विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी, हॉकिंस, सर टॉम्स रो, ये चार विदेशी यात्री थे जो जहांगीर के शासनकाल में आए थे। दोस्तों, आज की वीडियो की हमारी दूसरी ट्रिक है शाहजहां के शासनकाल में आए प्रमुख यात्री, और इसके लिए जो मैंने ट्रिक बनाई है वो है टेमू ला। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने टेमू शब्द को दो हिस्सों में तोड़ा, टे और मू। तो दोस्तों, टे से बना हमारा टेवर्नियर, और ये एक फ्रांसीसी जौहरी था जो कि शाहजहां के शासनकाल में आया था। टेमू शब्द के दूसरे वर्ड मू से बना दोस्तों हमारा मुंडी, ये एक इटली से आया हुआ यात्री था। अगला वर्ड है हमारा ला। तो दोस्तों, ला से बना हमारा लायट, ये एक डच यात्री था जो कि शाहजहां के शासनकाल में आया था। तो दोस्तों, टेवर्नियर, मुंडी और लायट, ये तीनों के तीनों यात्री शाहजहां के शासनकाल में आए थे। दोस्तों, आज की वीडियो की तीसरी और आखिरी ट्रिक है औरंगजेब के शासनकाल में आए यात्री की, और इसके लिए जो मैंने ट्रिक बनाई है वो है टेम बर्न। तो दोस्तों, टेम को मैंने दो हिस्सों में तोड़ लिया, टे और मैं। तो दोस्तों, टे से हमारा बना टेवर्नियर, ये एक फ्रांसीसी यात्री था, और ये एक जौहरी भी था जो कि शाहजहां के शासनकाल में भी आया था, और शाहजहां के शासनकाल के बाद औरंगजेब के शासनकाल में भी आया था। टेम शब्द के दूसरे शब्द यानी कि मैं से बना हमारा दोस्तों मनुची, ये एक इटली यात्री था जो कि मुंडी के बाद आया था। मुंडी जो था शाहजहां के शासनकाल में आया था, और मनुची आया था औरंगजेब के शासनकाल में। बर्न शब्द से दोस्तों बना हमारा बर्नियर, ये एक फ्रांसीसी चिकित्सक था जो कि औरंगजेब के शासनकाल में आया था। तो दोस्तों, औरंगजेब के शासनकाल में टेवर्नियर, मनुची और बर्नियर, ये तीनों के तीनों औरंगजेब के शासनकाल में यात्रा पर आए थे। तो दोस्तों, चलते चलते आप लोगों के लिए एक सवाल जो कल का था उसका आंसर देते हैं, और आपको नया क्वेश्चन थमा देते हैं। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिस समुद्री रास्ते से वास्को डी गामा भारत आया था उसका नाम क्या दिया गया था? तो इसका आंसर है कैप ऑफ गुड होप। और जो दूसरा प्रश्न आप लोगों के लिए आज का है वो है भारत के कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा कब पहुंचा? तो दोस्तों, इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको तीनों ट्रिक समझ भी आई होंगी और पसंद भी आई होंगी। ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि वीडियो सभी तक पहुँच सके।